भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है। वे दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। धोनी ने झारखंड के शहर रांची से निकलकर भारतीय क्रिकेट जगत में एक अलग मुकाम कायम किया। 2010 में धोनी ने अपनी दोस्त साक्षी के साथ शादी के सात फेरे लेकर सबको चौंका दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुई धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की प्रेम कहानी। शादी से पहले साक्षी को क्रिकेट में बेहद कम रुचि थी, परंतु किस्मत में भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक और कप्तान धोनी से शादी लिखी थी और यह हुआ भी। धोनी ने कोलकाता की साक्षी सिंह रावत के साथ देहरादून में शादी की थी। कोलकाता की साक्षी सिंह रावत के परिवार का नाता देहरादून से जुड़ा है। दोनों झारखंड के रांची में पैदा हुए, पर उनका परिवार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है। इस प्रकार साक्षी और धोनी दोनों का उत्तराखंड से संबंध है। साक्षी और धोनी के परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। वहीं धोनी और साक्षी की बचपन से ही दोस्ती थी। धोनी के पिता पान सिंह भारत सरकार के स्टील उत्पादक कारखाने मैकॉन में नौकरी की वजह से रांची जाकर बस गए थे। साक्षी के पिता से धोनी के पिता की मैकॉन में काम करने के दौरान ही दोस्ती हुई थी। बाद में साक्षी के पिता कैनोई ग्रुप की बीनागुरी चाय कंपनी में कार्यकारी निर्देशक बन गए। साक्षी और महेंद्र सिंह धोनी रांची के डीएवी श्यामली स्कूल में पढ़ते थे। साक्षी के दादाजी देहरादून में वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। साक्षी की आगे की शिक्षा देहरादून के विलहम में हुई और बाद में उन्होंने औरंगाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से डिग्री हासिल की। साक्षी ने अपनी ट्रेनिंग कोलकाता के ताज बंगाल होटल में पूरी की। ताज बंगाल होटल में 2008 में साक्षी और धोनी की फिर से मुलाकात हुई, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ इडन गार्डन में होने वाले मैच के लिए ताज में रुकी थी। धोनी और साक्षी की यह मुलाकात दोनों के कॉमन फ्रेंड युद्धजीत दत्ता ने करवाई थी। इसी दौरान धोनी ने युद्धजीत से साक्षी का नंबर लिया और उन्हें मैसेज किया। पहले साक्षी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें धोनी ने मैसेज किया है, और इस तरह साक्षी और धोनी के प्रेम की शुरुआत हुई, जो 2010 में शादी के रूप में सबके सामने आई।